हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि हमें गिवन है क्वेश्चन एंगल क्यू इज 90 डिग्री। दिस इज एंगल क्यू इज 90 डिग्री। ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे कौन सा एंगल बनाए, पी बनाए या आर बनाए, यहाँ पे कौन सा एंगल रखें। तो यहाँ देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। तो मैंने आपको पहले ही बताया जिस भी एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो एंगल कहाँ होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए, बेस पे और परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल कम्प्लीट। आर हमने यहाँ बना लिया, ये हो गया हाइपोटेनियस, यही पर सॉरी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ओके, नाउ अब हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। अब आपको यहाँ देखो पी क्यू कितना गिवन है, 5, तो बेस तो हमारा हो गया 5। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इधर एंगल ट्राइंगल क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या लेट करते हैं कि हम जो ये स्मॉल साइड है ना, क्योंकि ऑब्वियस है हाइपोटेनियस से तो परपेंडिकुलर और बेस स्मॉल ही होंगे, तो हम लेट करते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा एक्स है। तो लेट क्यू आर एक्स है। अब इस इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं तो पी आर प्लस एक्स कितना हो गया 25। तो दिस इम्प्लाइज अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा फिर, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें हम उसको पुट करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वेट हो जाएंगे। ओके, तो नाउ ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी ये वेरिएबल की फॉर्म में, लेकिन अब हम इसमें पाइथागोरस तो यूज कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन ही चाहिए होती है, तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ यहां से देखो पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, पी क्यू 5 स्क्वायर, आर क्यू इज एक्स स्क्वायर। नाउ अब यहां पे देखो, यहां फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने नाइन्थ क्लास में भी आइडेंटिटी पढ़ी है, टेंथ में भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, तो यहां पे हो गया फिर ये 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए कितना है 25, बी कितना है एक्स और माइनस टू ए बी। तो ये हो गया 2, ए कितना है 25 और बी कितना है एक्स और 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर ले, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं इसको लेफ्ट में रहने देते हैं, रिमेनिंग को सबको ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि यहां देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से सॉल्व होगा, ये नंबर नंबर से सॉल्व होगा, तो हम क्या करते हैं सेम टर्म को सेम साइड रखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 50 एक्स को हम यही रखते हैं, इन दोनों को हम ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो पहले से राइट में है वो राइट में ही, माइनस 625 और माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों इधर यहाँ पे प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो जब ट्रांसफर होके अपनी साइड को चेंज करेंगे तो अपने साइन भी चेंज कर देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, डिवाइड मल्टीपल, मल्टीपल डिवाइड। ओके, नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 50 एक्स इक्वल टू, अब 625 नेगेटिव, 25 पॉजिटिव, तो 620 माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, तो माइनस
हंड्रेड, ये कितना आएगा माइनस 600, और ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, सेम नंबर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 600 डिवाइड बाय माइनस 50, तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और फाइव के टेबल में 60 कितनी बार आता है 12 टाइम, तो एक्स कितना हो गया 12, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमारा एक्स हो गया 12, तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल में आर क्यू कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज आर क्यू हमने लिया था क्यू आर या आर क्यू, चलो क्यू आर लिया था, क्यू आर ही लेट करते हैं, क्यू आर इज एक्स, तो एक्स हो गया 12, और पी आर कितना था यहाँ पे 25 माइनस एक्स, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स, ये देखो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, और क्यू आर कितना है एक्स, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पी आर हो गया 25 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, दिस इम्प्लाइज पी आर कितना हो गया 13, तो ये हमारी दो वैल्यू हो गई, क्यू आर इज 12, पी आर इज 13, अब हम इसको क्या करते हैं ट्राइंगल में पुट कर देते हैं, तो एच हमारा कितना हो गया 13, और ये हो गया 12, और ये 5, ओके। नाउ अब हमें वैल्यू चाहिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी की, तो सबसे पहले हम वैल्यू राइट करते हैं साइन पी, सेकंड वैल्यू हमें चाहिए कॉस पी, और थर्ड वैल्यू इज टेन पी, तो हमें अब इन तीनों के रेशियो पता होने चाहिए कि ये पी बी एच में से कौन सा रेशियो इनके लिए होता है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, ये होता है पी बी पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो यहाँ पे अब तक तो आपको याद हो गया होगा, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो ये फर्स्ट रेशियो होता है साइन का, सेकंड होता है कॉस, थर्ड होता है टेन का, तो साइन का कितना हो गया पी अपॉन एच, कॉस का हो गया बी अपॉन एच, और टेन का कितना हो गया पी अपॉन बी, ठीक है। अब ट्राइंगल में हम देखते हैं, ट्राइंगल से अब देखते हैं पी कितना है, ट्राइंगल में आप देखो परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपरटेनियस कितना है 13, तो ये हो गया पी अपॉन एच हो गया 12 अपॉन 13, अब हो गया कॉस, कॉस में देखो बेस कितना है 5 और एच अभी हमने चेक किया था 13, तो ये हो गया 5/13, अब यहाँ पे टेन, टेन कितना है पी अपॉन बी, तो ये हो गया पी अपॉन बी 12/5, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, स्टार्टिंग से ट्राइंगल कैसे बनाना है, कैसे वैल्यू फाइंड करना है, कैसे पाइथागोरस यूज करना है, एलसीएम लेना है, और रेशियो को कैसे यूज करना है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे जो भी वीडियो आने वाले दिनों में आने वाले हैं वो आपको मिल जाए, ओके, थैंक यू।